दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, यदि मेरी ग्रोस सैलरी 8,50,000 रुपये है और उसके ऊपर मेरा टैक्स जो कटा है वो 75,400 रुपये है, तो इस 75,400 की राशि को मैं किस तरीके से फुल्ली रिफंड कैसे करूँ, मतलब पूरी की पूरी राशि को मैं कैसे रिफंड कराऊँ। अब मैं इसमें जो तरीका आपको बताऊँ बहुत ही ईजी तरीका बताऊँगा, साथ ही साथ इसमें मैंने कोई भी गलत तरीके से फाइल करना आपको नहीं सिखा रहा हूँ। इसमें आप केवल जो आपका हक होता है, क्योंकि हम सभी फोर्स मेंबर हैं, जो भी अलाउंस में इसमें शो करूंगा, जो अंडर सेक्शन 10 के जितने भी अलाउंसेज में शो करूंगा, जो अमूमन हमें मिलते हैं वही मैं दिखाऊंगा। डिडक्शन जो 80 की है वही मैं शो कर रहा हूँ, जो हम लगभग सेविंग करते हैं वही डिडक्शन में इसमें शो करूंगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि कौन कौन से मैंने एग्जम्पशन ली है अंडर सेक्शन 10 की और डिडक्शन। सबसे पहले बता दूँ, जो टैक्स स्लैब है मैंने ओल्ड के हिसाब से लिया है, ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार मैं इसमें कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। जो बेसिक पे है वो मैंने लिए 40,000 रुपये, न मैं इसको ज़्यादा कम किया हूँ न ज़्यादा मैं ऊपर किया हूँ। लगभग सबकी 5-6 साल अगर सर्विस हो जाती तो 7-8 साल तो 40,000 की लगभग बेसिक आपकी आई जाती है। जो मैं डीए दिखा रहा हूँ इसमें, वो अभी करंटली जो चल रहा है 46% के हिसाब से, तो टोटल 18,400 रुपये, ये दोनों अमाउंट मिला के 58,400 जाते हैं। इन दोनों अमाउंट को मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो हमारा एनपीएस का अमाउंट होता है, जो हम खुद से कंट्रीब्यूट करते हैं 10%, वो इसी बेस पे निकलता है, बेसिक प्लस डीए का 10%। और जो हमारा डिपार्टमेंट डिपॉजिट करता है आपके एनपीएस अकाउंट में 14%, वो भी इसी बेस पे करता है, बेसिक और डीए को टोटल करके उसका 14%। अभी हम चलते हैं अंडर सेक्शन 10 की अलाउंस पे। इसमें मैंने सबसे पहले एक अलाउंस लिया, जो आप ये दूसरे कलर में देख रहे हैं इनको मैंने इंक्लूड नहीं किया, जैसे LTC को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, यूनिफॉर्म अलाउंस को मैंने इंक्लूड किया है, जो कि हर व्यक्ति को मिलता है, हर पैरामिलिट्री फोर्स के बंदे को मिलता है। यूनिफॉर्म अलाउंस 10,000 रुपये आपको मिलते हैं, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कम बत्ती हो सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हर व्यक्ति लेता है, 2 बच्चों के ऊपर 2400 रुपये आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, एक बच्चे का 1 साल का 1200 रुपये की छूट होती है, 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से। इसके बाद हॉस्टल सब्सिडी मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, एनी स्पेशल अलाउंस ये मैंने इंक्लूड नहीं किया है। एक मैंने ये अमाउंट लिया हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस के नाम से, जो हमें मिलता है 4200 रुपये पर मंथ, 50,400 रुपये आपको 1 साल के मिलते हैं। अब ये किन किन को मिलता है वो मैं बता देता हूँ। जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के सदस्य हैं जो डिस्टर्ब इलाकों में ड्यूटी कर रहे हैं, डिस्टर्ब इलाकों के नाम पे आपको जो भी अलाउंस मिलता है उसको आप यहाँ पे दिखाइए। हो सकता है आपको अलग अलग नाम से, मैं CRPF के अगर अलाउंसेस के नाम बताऊँ तो उसमें से रिस्क अलाउंस के नाम से अलाउंस मिलता है, कोबरा अलाउंस के नाम से अलाउंस मिलता है, तो उस अलाउंस का 4200 रुपये पर मंथ आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। तो ये कुल मिला के 50,400 का अमाउंट हो जाता है। तो मैंने जो अंडर सेक्शन 10 में जो इंक्लूड किया है, तीन ही लिया, एक यूनिफॉर्म अलाउंस, एक CA लिया है, एक हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस लिया है, इसको मैंने इंक्लूड किया है। अब चलते हैं हम 80 की डिडक्शन के ऊपर। 80 की डिडक्शन के अंदर मैंने एक DCPS लिया है, NPS का अमाउंट लिया है, जो हम 10% हम खुद से अपनी बेसिक और DA का डिपॉजिट करते हैं NPS अकाउंट में, तो वो 10% अगर मैं निकालता हूँ, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था आपको, 40,000 बेसिक के हिसाब से 58,400 रुपये हो जाते हैं, बेसिक 40,000, उसका जो DA निकालेंगे 46%, 18,400, तो कुल मिला के 58,400 की राशि हो जाती है। और इस राशि का हम 10% अगर निकालते हैं तो 5840 रुपये एक मंथ का आपका DCPS का NPS का अमाउंट है वो हो जाता है, तो 12 मंथ का आपका 70,080 रुपये हो जाता है। इसके बाद हर व्यक्ति सेविंग करता है, लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम वगैरह जमा करता है, तो उस अमाउंट को मैंने लिया है लगभग 50,000 रुपये को। लगभग व्यक्ति हम फोर्स के सदस्य हैं तो हम लाइफ इंश्योरेंस तो ले ही रखे हैं लगभग, तो 50,000 का अमाउंट मैंने यहाँ पे शो किया है। ट्यूशन फीस है, बच्चों को हम पढ़ाते हैं एक्स्ट्रा क्लासों के लिए, तो ट्यूशन फीस भी हम पेड करते हैं, तो उस अमाउंट को मैंने इसमें शो किया है, लगभग 15,000 रुपये 1 साल के मैंने यहाँ पे शो किए हैं। इसके बाद एक अमाउंट मैंने ऐड किया NPS 14% ऑफ बेसिक प्लस DA, जो डिपार्टमेंट हमारा खुद से हम कंट्रीब्यूट करते हैं 10%, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट भी अपने NPS अकाउंट के अंदर 14% डिपॉजिट करता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, तो उनका डिपार्टमेंट 14% आपके NPS अकाउंट में डिपॉजिट करता है। तो अगर उसकी कैलकुलेशन करता हूँ मैं तो 8,176 रुपये का अमाउंट हो जाता है एक महीने का, और 12 महीने के आपके 98,112 रुपये हो जाते हैं। इसके बाद में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अगर अमाउंट लेते हैं तो 5,000 रुपये आपको उसमें आपको सेविंग मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है,
तो इस अमाउंट के लिए आपको किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कुल मिला के मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 5, 5 मैंने डिडक्शन ली हैं। और ये डिडक्शन हर व्यक्ति शो करता है, हर व्यक्ति इनकी सेविंग करता है, जैसा कि मैंने आपको इस लिस्ट में आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं हम एक एक्सेल शीट के अंदर, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उस साइट के ऊपर से मैंने डाउनलोड की है, और इसमें हम उस अमाउंट को शो करेंगे और कैलकुलेट करते हैं क्या हमारा टैक्स है 8,50,000 की इनकम के ऊपर, क्या वो पूरा रिफंड हो पा रहा है। तो हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन है, मैंने ग्रोस सैलरी यहाँ पे डाल दी। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, ग्रोस सैलरी मैंने 8,50,000 ली है, तो 8,50,000 का अमाउंट मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अगर आप 8,50,000 के ऊपर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो टैक्स निकल के आएगा 75,400 रुपये। ठीक है, बिना किसी एग्जेम्पशन वगैरह, बिना किसी डिडक्शन के आपको 75,400 रुपये का टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। अब इसमें हम लेस करेंगे एग्जेम्पशन, जो अंडर सेक्शन 10 के एग्जेम्पशन प्लस जो 80 की जितनी डिडक्शन, उनको लेस करने के बाद देखते हैं कि हमारे को कितना अमाउंट रिफंड होता है। वैसे 75,400 रुपये के आपके फुली रिफंड हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने ग्रोस सैलरी ले ली 8,50,000 रुपये। इसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे लेस अलाउंस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10 की मैं इसमें सेक्शन लेता हूँ कौन कौन सी, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यूनिफॉर्म अलाउंस, जो कि 10,000 का अमाउंट है। इसकी सेक्शन कौन सी है, 1014(1) है। 1014(1) में हम चलते हैं, तो 1014(1) है, यहाँ पे मैंने 10,000 का अमाउंट यहाँ पे शो कर रखा है। दूसरे पे चलते हैं, सीए पे, सीए की जो सेक्शन है वो है अंडर सेक्शन 1014(2), जिसका 2400 रुपये अमाउंट है। तो यहाँ पे हम 2400 रुपये अमाउंट को यहाँ पे शो कर देते हैं। तो 3 नंबर सीरियल नंबर है, वहाँ पे मैं आपको 2400 रुपये शो करूँगा। लेकिन इसके अंदर ये ऐड किया है मैंने कौन सा अमाउंट, ये वाला अमाउंट। आप देखिए, हाईली एक्टिव फील्ड ईयर, इसकी भी सेक्शन सेम है, अंडर सेक्शन 1014(2) है। तो इन दोनों अमाउंट को मैंने एक साथ जोड़ के फिर यहाँ पर शो कर दिया है, 52,800 रुपये। इसके बाद में और कोई एग्जेम्पशन है इसमें, और कोई अमाउंट है नहीं। तो कुल मिला के जो मेरा अमाउंट था वो 62,800 रुपये का अमाउंट यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में, तो यहाँ पर अब 80 की डिडक्शन आ जाती है। 80 की डिडक्शन को भी हम शो कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे आएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले ATC का अमाउंट आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए ATC का कौन कौन सा अमाउंट, जैसे DCPS मैंने आपको बताया था 1 महीने के 5840 रुपये, तो 70,080 रुपये का अमाउंट यहाँ हो जाता है, और ये 50,000 का अमाउंट ये हो जाता है, और 15,000 का अमाउंट ये हो जाता है। इन टोटल अगर हम मिलाते हैं, इनको ऐड करते हैं, तो 70,050, 1,20,000 प्लस 15,000 इसमें और ऐड कर देते हैं, तो 1,35,080 रुपये आपके हो जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे शो कर देते हैं, 1,35,080 रुपये। ठीक है, ATC की इस कॉलम में आपको यहाँ पे शो कर देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, जो कि मैंने 12 नंबर सीरियल नंबर दिखा है NPS का, जो 14% है, जो बेसिक और DA का जो 14% हमारा डिपार्टमेंट अपने NPS अकाउंट में डिपॉजिट करता है, उस वाले अमाउंट का अगर टोटल है वो 98,112 रुपये है। और इसकी सेक्शन कौन सी है, ATCCD 2, इसमें आपको शो करना है। जैसा कि मैंने ATCCD 2 के अंदर 98,112 रुपये को यहाँ पे शो कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी बच जाती है, ATD, 5,000 रुपये का अमाउंट वो आपको शो करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, ATD के अंदर मैं आता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इस 5,000 के अमाउंट को भी शो कर दिया है। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो ATD की मैंने सेक्शन का टोटल अमाउंट 2,38,112 रुपये मैंने यहाँ पे शो किया है, प्लस आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, जो अंडर सेक्शन 10 की मैंने दिखाया वो 62,800 रुपये टोटल दिखाए हैं। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पे टैक्स को कैलकुलेट एक बार कर लेते हैं, ताकि हमारा जो टैक्स है वो निकल के आ जाए। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट टैक्स कर रहा हूँ, ये हमने कैलकुलेट टैक्स कर लिया है। अब हम टैक्स को चेक करेंगे, इससे पहले हम एक अमाउंट और फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे TDS का अमाउंट है, TDS के अमाउंट को कॉलम को भी हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद देखिए, यहाँ पे 10 नंबर दिखा रहा है, नेम ऑफ डिडक्टर, जो भी आपका कमांडेंट है उसका यहाँ पे नाम दिखाएगा। इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी, इसमें कौन सा अमाउंट हमें दिखाना है, तो यहाँ पे आप जाएंगे इनकम डिटेल के ऊपर। ये देखिए, ये फॉर्म है ना, एक हूबहू आपका जब ऑनलाइन आप साइट पे फिलअप करेंगे ना, वैसा ही सेम टू सेम है, कोई इसमें अंतर नहीं है। तो जो अंडर हेड सैलरी है उसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं पहले। तो यहाँ पे आप जाएंगे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, यहाँ पे देखिए 7,37,200 रुपये है। तो इस अमाउंट को हमें यहाँ पे दिखाना, 7,37,200 रुपये। ठीक है, इसके बाद में जो आपको TDS है, जो टैक्स कटा 75,400 रुपये आपके कटे थे, तो 75,400 को मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इनकम डिटेल्स के ऊपर, और यहाँ पे हम कैलकुलेट टैक्स करते हैं, जिसके बाद आपका जो टैक्स है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको बताया जाएगा इसमें कितना आ जाता है। एक्सेल शीट ऑटोमेटिकली ये
कैलकुलेट कर लेती है। अब आप देखिए, आपको मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। आपकी ग्रोथ सैलरी 8,50,000 थी, इसमें से देखिए आपने एग्जम्पशन दिखाई अंडर सेक्शन 10 की, टोटल है वो 62,800 रुपये। तो 8,50,000 में से 62,800 रुपये आपके कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका अमाउंट बचाता है 7,87,200 रुपये। इसमें भी आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है जो हर कर्मचारी को मिलती है, तो 50,000 रुपये यहाँ पर लेस हो जाएंगे। तो कुल मिला के जो आपकी अब टैक्सेबल इनकम बची है 7,37,200 रुपये है, ठीक है। इसके बाद में 7,37,200 में भी आपने एटी की सेक्शन में जो एटी की डिडक्शन है उसमें आपने अमाउंट शो किया है, तो एटी की डिडक्शन में आपने 2,38,152 रुपये आपने टोटल अमाउंट शो किया है इसमें, जिसमें आपने एटीसी में दिखाया है, एटीसी CD2 में दिखाया है और एटीडी में दिखाया है। तो ये अमाउंट जो 2,38,152 रुपये है वो इसमें से लेस हो जाएगा 7,37,200 में से, तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बच जाएगी, 4,99,010 रुपये। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी इनकम 5 लाख से नीचे आ जाती है, जब आप एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 की एग्जेम्पशन लेस कर देते हैं, एटी की डिडक्शन आप लेस कर देते हैं, तो 5 लाख से नीचे अमाउंट आ जाता है, चाहे वो 4,99,999 रुपये ही क्यों ना हो, तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता, आपको फुली अमाउंट आपको रिफंड होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे तो दिखा रहा है टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम 12,450 रुपये, ठीक है ये दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाएगा पूरा अमाउंट। आपको यहाँ पे जाइए टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपको पूरा अमाउंट शो करेगा। आपने TDS कितना दिखाया था, 75,400 रुपये, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे टोटल टैक्स पेड कितना किया आपने, 75,400 रुपये, ठीक है। अब इसमें अमाउंट पेबल कितना है, 0, आपको एक पैसा भी भुगतान नहीं करना पड़ रहा। रिफंड का अमाउंट कितना हो रहा है, 74,400 रुपये, आपको फुल्ली रिफंड हो रहा है, 1,000 रुपये आपका कटता है, वो इसलिए इसमें शो कर रहा है क्योंकि ये जो मैंने एक्सेल शीट ली है, ये आप देखेंगे आप ऊपर जाके 2023-24 की ली है, तो लेट फीस के हिसाब से इसमें से उसमें माइनस कर रखे हैं, तो इसलिए इसमें जो ये फी है ना, देखिए अभी फी का देखो इन्होंने काटा 1,000 रुपये, तो इसलिए 1,000 रुपये कम उसमें शो कर रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 75,400 रुपये ही शो करेगा। जब हम बिफोर डेट भरेंगे, जब इनकम टैक्स डेट जारी करता है लास्ट डेट, उससे पहले हम फिलअप करेंगे तो पूरा अमाउंट ही आपको रिफंड होगा। अब आप यह पूछेंगे कि यहाँ पे 12,450 रुपये क्यों शो कर रहा है, देखिए इनकम टैक्स का एक रूल है, अगर आपका 2,50,000 रुपये तक की इनकम है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन 2,50,000 से 5 लाख के बीच में अगर इनकम है तो आपको 5% देना पड़ता है, तो उसी अमाउंट पे इसने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे 4,99,000 है, तो 2,50,000 के ऊपर और 4,99,000, इन दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं तो लगभग 2 लाख कितना बचेगा इसमें, 51,000 के करीब बचेगा शायद, लगता है 2,51,000 रुपये इसमें बचेंगे, तो 2,51,000 का इसमें टैक्स निकाला है इन्होंने, 12,450 रुपये, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 4,99,000 में से हम 2,50,000 लेस करेंगे तो 2,49,000 रुपये का अमाउंट बचेगा, तो 2,49,000 आपका अमाउंट का यहाँ पे निकाला है टैक्स, 12,450 रुपये का अमाउंट यहाँ पे निकल के आता है, लेकिन यहाँ पे इसने शो किया है कि आपका ये टैक्स बनता है, लेकिन ये है यदि ये टैक्स तब लगेगा अगर आपका 5 लाख से अबव अगर आपकी टैक्सेबल इनकम रह जाती है, यदि मान लीजिए 5,01,000 आपकी रह जाती है तब आपको ये टैक्स आपको पेड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे आ जाती है, कुल मिला के अगर 4,99,999 रुपये भी हो जाती है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, आपको 0 टैक्स देना पड़ता है, आपको फुली जितना TDS आपका कटा है, टैक्स कटा है, वो पूरा आपको रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको एक एक्सेल शीट के जरिए बताया था कि यदि आपका ग्रोस सैलरी है 8,50,000 रुपये है तो आप फुली जितना भी आपका टैक्स कटा है वो आप उसको फुली रिफंड करवा सकते हैं इजीली तरीके से। मैंने जितने भी अमाउंट लिए हैं वो आपको मिलते हैं, सब कर्मचारियों को मिलते हैं, वही अमाउंट मैंने यहाँ पे शो किए हैं, आपको किसी से भरवाने की आवश्यकता नहीं, जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही आपको बस सेक्शन सेलेक्ट करनी है, कॉलम को सेलेक्ट करना है, उसमें आपको केवल अमाउंट का फिगर डालना है और आपका पूरा अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपने आपको इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी नोटिस वगैरह भी नहीं आएगा और खुद को सीखने को मिला और भरोसा भी रहेगा आपको। तो इस तरीके से आप अपना ITR को फाइल कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।